I'm right now inside a big metal pipe. और मैं यहाँ क्यों हूँ? दरअसल मैं आया हूँ एक ऐसी जगह जो कि इंडिया के किसी भी स्टेट की यंगेस्ट कैपिटल कही जा सकती है, यंगेस्ट सिटी कही जा सकती है. इनफैक्ट ये स्टेट जो है वो इंडिया का यंगेस्ट स्टेट है. जी हाँ, फूड कार्ट से ड्राइव के सेकंड लेग में मैं पहुँचा हूँ विजयवाड़ा. और विजयवाड़ा के पास ही एक जगह है जिसका नाम कुछ भी रहा हो, पहले अलग अलग विलेजेस वहाँ रहे होंगे लेकिन अब नाम हो गया उसका अमरावती. अमरावती इंडिया की सबसे नई कैपिटल जो है, इंडिया की कैपिटल नहीं है, इंडिया की स्टेट की कैपिटल होगी और स्टेट है आंध्र प्रदेश. अब आप कहेंगे आंध्र प्रदेश तो पहले से है. आंध्र प्रदेश दरअसल जो है डिवाइड हो गया था, विभाजित हो गया था दो भागों में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना. तेलंगाना को मिली एग्जिस्टिंग कैपिटल यानी कि हैदराबाद, तो आंध्र प्रदेश को ज़रूरत थी एक नई कैपिटल की. 5 साल पहले ये डिसाइड हुआ कि अब अमरावती जो है वो कैपिटल बनाई जाएगी. अमरावती उस टाइम एग्जिस्ट भी नहीं करता था मैप पे, एक छोटा सा टाउन हुआ करता था कृष्णा नदी के किनारे, लेकिन फिर बाद में गुंटूर और विजयवाड़ा के बीच में कृष्णा नदी के किनारे पर ये एक बहुत ही बड़ी जमीन को जो है सरकार ने लिया और उसके बाद में डिसाइड किया उसको डेवलप करने का. मैं इसकी बातें क्यों कर रहा हूँ? मैं इसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस वक्त आया हूँ देखने कि रोड्स कैसी बनने वाली हैं यहाँ पे, क्योंकि भैया अपना काम ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है तो हम बात भी उसी से रिलेटेड करेंगे. मैंने यहाँ पे एक ऑफिसर से बात की जिन्होंने मतलब कैमरे पे आने से तो मना कर दिया, बट उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई. उसके बाद में कुछ छोटे मोटे मैंने मीडिया हाउसेज वगैरह की स्टडीज़ जो है वो देखी और वहाँ से थोड़े इनपुट लिए और अब मैं यहाँ देखने आया हूँ कि यहाँ एक्चुअल में काम क्या हो रहा है. एक बार पूरा घूम लेता हूँ फिर बताता हूँ आपको कि क्या कैसे चीजें यहां पे होने वाली है. इस बात में कोई हर्ज नहीं है कि रोड्स जो है वो किसी भी नए शहर की प्लानिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा और जितने भी नए शहर अराउंड द वर्ल्ड बनते हैं रोड्स उनकी एक प्रायोरिटी सी होने लग गई है. अमरावती में भी रोड्स को जो है टॉप प्रायोरिटी रखा गया. मैंने यहाँ एक ऑफिशियल से बात की और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी प्लानिंग ये है कि जितनी भी रोड्स अमरावती की हो वो सबसे पहले कंप्लीट हो और उसके बाद बाकी चीज़ें चालू हो. साथ ही में रोड्स को कुछ इस हिसाब से डिज़ाइन किया जा रहा है कि एक बार जब रोड कंप्लीट हो जाए उसके बाद कभी भी आने वाले टाइम में उसको तोड़ने की ज़रूरत ना पड़े. जितने भी रीजंस होते हैं जब आमतौर पर रोड तोड़ी जाती है, चाहे वो ड्रेनेज के लिए हो या चाहे वो किसी इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज़ जो है अंडरग्राउंड करनी हो, तो वो सारी चीज़ों का पहले ही ध्यान रखा गया है. इसी वजह से यहाँ पे पिछले 4 सालों से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जिस पे ध्यान दिया गया था वो रोड. ऑलमोस्ट रोड प्लानिंग कंप्लीट हो चुकी है इन लोगों की. मैं जब एंटर कर रहा था तो विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिखा हुआ देखा मैंने. मैं कहा विजयवाड़ा से इंटरनेशनल फ़्लाइट कौन सी चलती है? पता चला एक सिंगापुर जाती है फ़्लाइट जो कि वीक में 3 बार चलती है. अब सिंगापुर क्यों जाती है उसकी बात बताता हूँ. दरअसल जो अमरावती टाउनशिप प्रोजेक्ट है या जो भी ये अमरावती कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इनका एक पार्टनर जो है, ये क्रूशियल पार्टनर जो है वो सिंगापुर है और सिंगापुर जो है उसी के तर्ज पे अमरावती को डेवलप किया जा रहा है. पूरा का पूरा अमरावती जो है सिंगापुर के तर्ज पे डेवलप किया जाएगा. इनफैक्ट चंद्रबाबू नायडू जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है वो कहते हैं कि ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और वो उसे सिंगापुर जैसा ही बनाना चाहते हैं. इस चीज़ में वो एक और बात जोड़ते हैं और कहते हैं कि ये हैप्पीएस्ट सिटी होगी. इंडिया में ऐसी और कोई भी सिटी नहीं होगी, वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट सिटीज़ में ये काउंट की जाएगी. एक बड़ी प्लानिंग इनकी ये है कि किसी भी रोड पे ट्रैफिक कंजेशन नहीं होना चाहिए. किसी के भी घर से अगर उसको ऑफिस जाना हो तो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए. किसी को भी कोई लेजर या एंटरटेनमेंट के लिए जाना हो तो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए. किसी को भी कोई इमरजेंसी के लिए जाना हो तो भी 5 मिनट से ज़्यादा वक्त उसको नहीं लगना चाहिए. ये इनकी प्लानिंग रही है रोड से रिलेटेड और टाउनशिप के मैनेजमेंट से रिलेटेड. उसके बाद में एक और प्लानिंग ये है कि कोई भी इंटरनल कम्बशन इंजन यहाँ नहीं चलाया जाएगा, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो चाहे वो प्राइवेट व्हीकल्स हो, सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे. एक सेपरेट पार्किंग बना दी जाएगी शायद शहर के बाहर जो कि सारे आईसी कम्बशन इंजन जो है वो वहाँ रहेंगे और इलेक्ट्रिक व्हीकल से ही आप जो है अमरावती टाउन या अमरावती कैपिटल जो है आंध्र प्रदेश की उसके अंदर एंटर कर पाएंगे. देखो भैया, चीज़ें तो प्रॉमिसिंग लग रही है और जिस हिसाब से यहाँ काम हो रहा है, यहाँ के लोकल्स से जिस हिसाब से फीडबैक मिल रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि ये एक्चुअल में एक पहली बार इंडिया में इस लेवल का काम हो रहा है. बाकी रोड्स कैसी होनी चाहिए, क्या नियम होने चाहिए, क्या क्या और चीज़ें ऐड हो जानी चाहिए, वो अगर आपको कोई सुझाव वगैरह हो तो कमेंट में लिखिए, डिस्कशन करते हैं हम लोग. आंध्र प्रदेश सुनेगी या नहीं सुनेगी मैं ज़रूर देखूंगा और डिस्कशन करेंगे. फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही. उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए. दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं. अगली वीडियो जो है वो हैदराबाद से बेंगलुरु की होगी, विजयवाड़ा से हैदराबाद और
अमरावती से हैदराबाद जो है उसकी कोई वीडियो नहीं होगी, वो यही है, इसी टॉपिक पर डिस्कशन है और ये डिस्टेंस भी बहुत कम है, तो मैं फटाफट कवर करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। इंस्टाग्राम पे ज़रूर आ जाना।